और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जिंदा आतंकी के पकड़े जाने का वीडियो सामने आया है। जम्मू के कुंजवानी चौक से गिरफ्तारी हुई है। विशाल मेगा मार्ट के पास कार से पुलिस ने इस आतंकी को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक लश्कर ए मुस्तफा का चीफ है आतंकी हिदायतुल्ला मलिक, जिसकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यूपी नंबर की कार से शोपिया से जम्मू पहुंचा था यह आतंकी, एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते इसके नापाक मनसूबों पर पानी फेर दिया गया। कुंजवानी चौक के पास ही किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। जम्मू पुलिस थाने में फिलहाल इससे सख्त पूछताछ कर रही है। न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मौके की यह तस्वीर है जहां से लश्कर मुस्तफा का चीफ हिदायतुल्ला मलिक गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी यहां पर बेहद अहम मानी जा रही है। बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में यह आतंकी था। शोपिया का रहने वाला है आतंकी हिदायतुल्ला मलिक, जिसकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। आतंकी के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं, यानी सोची समझी साजिश के तहत ये एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही इसके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। लश्कर मुस्तफा का चीफ, एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों के हाथों आई है। जहां बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला था शोपिया का रहने वाला यह आतंकी, तो आतंकी के पकड़ने के बाद थाने में पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। जानकारी अब तक पहुंचा दें कि जम्मू के कुंजवानी चौक की तस्वीर है जहां से आतंकी हिदायतुल्ला की गिरफ्तारी हुई है। संवाददाता शहनवाज खान ने जायजा लिया, क्या कुछ निकल कर सामने आया, आप भी देखिए। जम्मू में आज किसान आंदोलन को लेकर हुए प्रदर्शन के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू का कुंजवानी इलाका पड़ता है वहां से एक आतंकवादी को यहां पर गिरफ्तार जो है वो यहां पर किया है। जो खबर मिली है उसके मुताबिक ये जो आतंकवादी था ये जम्मू का जो कुंजवानी इलाका है उसके पास विशाल मेगा मार्ट पड़ता है, वहाँ पर गाड़ी में सवार था। और ये जो गाड़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं यही वो सेंट्रो कार है जिसमें ये जो आतंकवादी है वो सवार था। इस आतंकवादी का नाम जो है वो हिदायतुल्ला मलिक बताया जा रहा है, और ये लश्कर मुस्तफ़ा जो तंजीम है, जो जैश मोहम्मद की सिस्टर तंजीम है, उससे ये आतंकवादी ताल्लुक़ रखता है। जो खबर दी है यहाँ पर पुलिस ने उसके मुताबिक दो हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल जो है वो इस आतंकवादी से यहाँ पर बरामद हुई थी, और पुलिस ने साफ कहा है कि इसका मकसद जम्मू में यहाँ पर एक बड़े आतंकवादी हमले को यहाँ पर करना था, लेकिन उससे पहले ही लगातार पुलिस के पास इस तरह की जानकारी थी कि इस तरह का टेररिस्ट जो है वो शोपियां से जम्मू जो है वो यहां पर आ रहा है, और लगातार उसके पीछे जो है वो पुलिस यहां पर लगी हुई थी। फिलहाल उसको पुलिस ने यहां पर पकड़ लिया है, और यहीं पर जो गंग्याला पुलिस स्टेशन है वहां पर उसको यहां पर लाया गया है, और लगातार उससे पूछताछ जो है वो यहां पर चल रही है। लेकिन जिस तरीके से आज किसान आंदोलन जो है वो चल रहा था, कुंजवानी चौक जो है उसी के आसपास किसान आंदोलन जो है वो भी यहां पर चल रहा था, उसी के बीच में इस आतंकवादी का पकड़ा जाना वो एक बड़ी खबर है। और यहां पर लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो अलग अलग जगह पर यहां पर चलाया जा रहा है। पुलिस के पास इस तरह के भी इनपुट्स हैं कि कुछ दूसरे आतंकवादी जो हैं उनकी प्रेजेंस भी यहां पर हो सकती है। ऐसे में लगातार इस आतंकवादी से अब यहां पर पूछताछ की जा रही है, और अलग अलग जगह पर यहां पर इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू।